हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 5 ऑफ क्लास 5th, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। राइट डाउन 4 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। हमें क्या निकालने? मल्टीपल्स निकालने। मल्टीपल्स है वो हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। जैसे 4 के निकालने, तो सबसे पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गए, 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ गए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गए, ऐसे 4 से करेंगे तो 16 और 5 से करेंगे तो 20। हमें 4 मल्टीपल्स ही पूछे तो हमने 4 ही लिखे हैं, लेकिन आगे पूछता तो आगे जैसे 6 से मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल देते हैं। 14, जैसे 14 का 1 से किया 14, 2 से किया 28, 3 से किया 42, 4 से किया 56 और 5 से किया 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक ओनली द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। टिक करना है किस पे? मल्टीपल, सिर्फ जो मल्टीपल्स हैं उन पे। जैसे 3 के मल्टीपल्स जो है उनको टिक करना है। 5 है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 5 जो किस 3 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 नहीं आता, इसलिए 5 मल्टीपल नहीं होगा। 9 है वो 3 3 9 होते हैं, इसलिए 9 मल्टीपल है। 3 भी मल्टीपल है, 13 नहीं है, क्योंकि 3 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो 13 नहीं आता है। 18 है वो 3 का मल्टीपल है, तो मल्टीपल हो गए 3 9 और 18। नेक्स्ट है 15, 25, 15 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 15 किसी से भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते तो 25 नहीं आता, ना ही 35 है, 15 है, क्योंकि 15 बन जा 15 होते हैं। 40 है, 40 भी नहीं होगा, 45 और 15 टू मल्टीपल्स हो गए 15 के। क्वेश्चन थर्ड है, टिक दोज नंबर विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। हमें वो मल्टीपल्स निकालने हैं जो कॉमन है 3 एंड 4 के, जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं 6 12 15 18 24 और 30। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 निकालेंगे तो देखिए 3 और 4 जो दोनों में आए, 3 6 है वो 3 का मल्टीपल है लेकिन 4 का नहीं है, तो क्या होगा? कॉमन नहीं होगा। 12 है वो 3 का मल्टीपल भी और 4 का मल्टीपल भी है, तो ये कॉमन में आ जाएगा। 15 है 3 का है लेकिन 4 का नहीं है। 18 भी 3 का मल्टीपल है लेकिन 4 का नहीं है। 24 है वो 4 का भी है और 3 का भी मल्टीपल है, तो 24 कॉमन हो गया। 30 है वो 3 का है लेकिन 4 का नहीं है, इसलिए ये कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 के आगे 12 एंड 24। क्वेश्चन फोर्थ है, राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 25। 3 मल्टीपल्स लिखने हैं 4 के जो कि क्या है, ग्रेटर देन है, 25 से बड़े हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4 है देखो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40, लेकिन हमें क्या निकालना है, जो ग्रेटर देन है बड़े हैं 25 से। मल्टीपल ऑफ 4 निकालिए, ग्रेटर देन 25 क्या आ जाएगा, 28 32 और 36। जैसे देखिए 24 और 25 से लेस छोटा है, इसलिए आगे की डिजिट लेंगे 28 32 46। 3 पूछे हैं तो 3 लिख देंगे। फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12। अब देखिए हमें निकालना क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो सबसे पहले मल्टीपल निकालेंगे किसके, 8 और 12 के। मल्टीपल 8 के आगे 8 16 24 32 40 48 56 64 ऐसे आगे। मल्टीपल्स ऑफ 12 आगे 12 24 36 40 60। अब देखिए पूछा क्या है, मल्टीपल्स निकाल दिए, अब निकालेंगे कॉमन। कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है, 24 है, आगे भी है, लेकिन हमें क्या निकालना है, लिस्ट कॉमन, यानी सबसे छोटा जो है कॉमन में। तो देखिए 8 है वो कॉमन नहीं है, 16 भी कॉमन नहीं है, 12 भी कॉमन, 24 दोनों में से सबसे पहले सबसे लिस्ट जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या आ गया, 24। फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। कॉमन अब क्या निकालना है, मल्टीपल्स की जगह क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर। फैक्टर कैसे निकलते हैं, जैसे 8 का फैक्टर निकालना है और 12 का निकालना है, तो 8 ऐसे देखेंगे किससे डिविजिबल है, यानी किस किस डिजिट से डिवाइड हो सकता है। जैसे 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से, 8 से, इससे आगे इस, यानी कि इनके अलावा जो डिजिट्स हैं इनसे 8 है वो डिविजिबल नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या, सॉरी, फैक्टर ऑफ 8 क्या आ गए, 1 2 4 8, और फैक्टर ऑफ 12 क्या आ गया, 1 2 3 4 6 एंड 12। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या आएगा 8 एंड 12 का, 1 आ गया, 2 आ गया और 4 आ गया, बाकी देखिए 6 8 12 3 ये कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 2 और 4। क्वेश्चन 7 है, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 20 एंड 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी निकाला था, लेकिन इसमें क्या निकालना है, एक एक्स्ट्रा में क्या दे दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10। फैक्टर ऑफ 10 क्या आ जाएगा, 1 2 5 10। 20 का फैक्टर क्या आ जाएंगे, 1 2 5 10 20। 12 का 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। अब देखिए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकालेंगे किसके, 10 20 और 12 के। 10 और 20 के कॉमन क्या है, 1 आ गए, एक तो तीनों में देखेंगे, 10 में भी देखेंगे, 20 में देखेंगे और 12 में देखेंगे, 2 भी है, लेकिन आगे देखिए 5 है इन 2 में तो है, लेकिन 12 का फैक्टर नहीं है 5। इसी तरह कॉमन क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया 1 और 2। अब कॉमन में क्या देखना, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा क्या है, 2 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2। थैंक यू।